हमारे अपना बिलीव ये है कि एजुकेशन इज द बेस्ट. अगर आपने किसी भी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है तो उसके बच्चों को एजुकेट. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरा महमूद है और यूएल रिलीफ का की मैं डायरेक्टर हूँ. और इनिशियली मैं आपको बता देती हूँ कि शुरू कैसे हुआ. हुआ ये कि 2005 में जब जलजला आया, उस वक्त तक तो हमें अपनी किसी भी एबिलिटी का बिल्कुल पता नहीं था. उसमें हमने इनिशियली जब बच्चों ने आके हमसे कहना शुरू किया कि हम कुछ करते हैं, तो हमने ये सोचा कि चलें दो चार ट्रक लेके जाते हैं वहाँ पर, जिस तरह सब लोग कर रहे हैं वो हम करके आ जाते हैं. लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने देखा, क्योंकि एक मैं छोटी सी आपको बात बता दूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों का जो एक पैशन है ट्रैकिंग भी है, तो पहाड़ों में हम लोग का में सर्वाइव करना हमें पता था. तो जब हम बालाकोट में हम सबसे पहले गए थे, तो जब वहाँ हम पहुँचे तो हमने सबसे पहले अपनी कैंपिंग कैंप साइट लगाई, पूरी प्रिपेयर की, किचन इस्टेब्लिश किया और सारा. उस वक्त वहाँ पर तो सब कुछ डिमोलिश हो चुका था. वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जब हम काम करते रहे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इस एक तो हम अगर अपने यूथ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें तो वो दे कैन वर्क वंडर. और सो मच सो कि हम आज तक टू डेट हम बालाकोट में अभी भी काम कर रहे हैं. हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो यतीम हो गए थे, उनको स्कूलिंग कराई, फिर उनकी जॉब हो गई, फिर बहुत सारी बेवाएँ ऐसी थी जिनके बच्चे पढ़ गए, फिर उनको फूड प्रोग्राम शुरू किया, एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया और इसी तरह वोकेशनल सेंटर्स हमने खोले. तो आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली हमारा ये यूएल रिलीफ का जो सिलसिला है ना, शुरू जो है ये जलजले यानी 2005 से शुरू हुआ था. फिर पे दर पे पाकिस्तान में उन दिनों में क्लैमिटीज़ काफ़ी आती रहीं. 2009 में फिर IDPs का उस वक्त में प्रॉब्लम हुआ था, तो वहाँ पर हमने काफ़ी काम किया, 6-8 महीने वहाँ पर काम किया फूड का, शेल्टर का. उसके बाद फिर आपको पता है 2010 में जो सैलाब आ गया था, वो बहुत बहुत बड़ी टास्क थी. वो इतनी बड़ी टास्क थी कि हमारी मुख्तलिफ टीमें एट अ टाइम नॉर्थ में एंड डाउन पंजाब में तक में काम कर रही थी. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी जो ट्रेनिंग है हमारे बच्चों की, हमारी सर्च एंड रेस्क्यू में और फिर उसके बाद इमरजेंसी की सारी सिचुएशंस में हमारी एक्सपर्टीज बढ़ती गई. इसमें यह कि जब यूएल रिलीफ बना था तो बहुत अनफॉर्मल था. हम हमेशा दिल में यह सोचते थे कि इसको कोई एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं, बस एक है जो हमने करना शुरू किया. लेकिन जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती गई और इसका काम बढ़ता गया और करोड़ों में जब बात आई, तो फिर हमें इसको प्रॉपर रजिस्टर्ड कराया हमने. तो इसका सबसे पहले जो पैट्रन है वो नासिर महमूद साहब जो हमारे प्रोडक्टर हैं वो बने. हाँ, और टू डेट अल्हम्दुलिल्लाह वही हैं. और उनकी मैं समझती हूँ कि वो एक दरख्त हैं, उस दरख्त के नीचे हम सारे उनके साए में हैं. वो हमारी उनकी गाइडेंस पे हम चलते हैं. वो हमारी हमें माशाल्लाह बिजी बहुत होते हैं, जाहिर है उस तरह हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. जब भी करना हमें उनकी जरूरत पड़ती है वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन वो हमें गाइडेंस जो है हमारी मीटिंग्स में बुनियाद उन्होंने रखी और अभी भी उनकी बेसिक जो है ना वो हेड हुई. अटैच तो नहीं है लेकिन हमारे साथ, क्योंकि हमारा सर्च एंड रेस्क्यू में काम ज्यादा था. क्योंकि जलजिले में हमने सबसे पहले सीखा यह कि जब तक हम रेस्क्यू नहीं सीखेंगे, कोई भी क्लैमिटी आती है तो हम, क्योंकि वहां पर जब ये एक समझ लें कि इस जनरेशन पे पहली दफ़ा ये क्लैमिटी आई थी, तो जब हम जलजले पे मांगे तो वॉलंटियर तो बहुत थे लेकिन स्किल्ड वॉलंटियर्स नहीं थे. तो हमने उस वक्त ये सीखा कि पहले सबसे एक शहरी को स्किल्ड कैसे करना है. कि जैसे तो हमने सबसे पहले जो हेल्प ली वो 1122 से ली. वो उनके हमारे बच्चे उनसे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे बच्चे उनसे ट्रेंड होते हैं और वो फिर आके हमें वो मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं और फिर हमारे बच्चों को आके ट्रेन करते हैं. हाँ, तो हमारे बहुत मुझे इस बात पे फख्र है कि हमारी जो सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है वो साइप्रस में जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला होता है उसमें फर्स्ट आई. इसमें यह है कि सारे पाकिस्तानियों की तरह हमने शुरू में तो बस यही लग रहा था कि या चाइना में है या अमेरिका में हो गया, इटली में हो गया. हमें हमेशा यही लगता है, हमें अपने अल्लाह पे इतना यकीन है कि हमें बाहर पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है सिचुएशन यहाँ भी जब संगीन होती गई. हमारा स्टेप हमने तब लेना शुरू किया जब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि लॉकडाउन का जब सिलसिला शुरू हुआ, कि हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, आपने देखा होगा खबरों में भी, हर जगह आपने ये देखा कि दिहाड़ीदार, तो सबसे पहले जो इफेक्ट वो लोग हुए. और जब हमें अंदाज़ा हुआ तो हमने सोचा कि इस पर हम काम शुरू करते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी टीम इस्टेब्लिश्ड है, सबसे जो हमें फ़ायदा की बात ये थी कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम 2005 से काम कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स पूरी मुल्क में फैले हुए हैं,
तो बगैर मूवमेंट के हम मुख्तलिफ शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे। फॉर इंस्टेंस गिलगित बल्तिस्तान में हमारे स्टार वॉलंटियर्स हैं, वो सर्वे करेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इसी तरह डाउन पंजाब में लैया है, ये कसूर की साइड, अकाड़ा, इन सारी जगहों पे फिर हमने यही सोचा कि हम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो इसमें हमारी, हमने अपील की डोनेशंस की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत ही लोगों ने दिल खोल के एज़ यूजुअल, हम लोग 2005 से देखते आ रहे हैं और मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ, हमेशा से मेरा ये बिलीव है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स की कमी होती है लेकिन पैसे की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई सबब बना देता है। अगर हम सिद्के दिल से कोई सोचते हैं ना कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है तो अल्लाह ताला उसका कोई ना कोई सबब बना देता है। तो ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डोनेशंस मिली हैं और अभी तक हमने 15 मिलियन रुपीज़ तक का राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन डिफरेंट एरियाज, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित का एरिया, उसके इर्द गिर्द का एरिया, स्कर्दू का एरिया और डाउन पंजाब में हमारा है शेखुपुरा से लेके लैया तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अच्छा, इस सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, ज़ाहिर हम लोग इस काम में हैं तो वॉलंटियर लोग देखते हैं, बच्चों का दिल करता है कि देखें, हमारे कुछ कौम के खमीर में ऐसा है कि दे आर बिल्ट इन, उनके अंदर एक जज्बा है इस तरह का। ये हमारे सरजमीन का मेरा ख्याल असर है या हमारे दीन का भी बहुत काम है, माँ बाप की ट्रेनिंग का बहुत काम है, जिसकी वजह से बच्चे जो ऑलरेडी उनके अंदर एक अननोन एक चीज़ होती है, उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है। तो हम बेसिक मैं हाँ जो मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम अगर बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, उनकी प्रॉपर उनको गाइडेंस दें तो वो बहुत दे कैन वर्क वंडर्स, और कई दफ़ा उन बच्चों से मैं सीखती हूँ। तो बच्चे जब हमारे पास आते हैं, सबसे पहले मेरा क्राइटेरिया किसी भी वॉलंटियर को पॉलिश करने से पहले मैं उसको ये देखती हूँ, हाँ वो मैं देखती हूँ कि वो दिल वाला है कि नहीं। अगर आपका दिल है और आप दिल वाले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी नियत ही नहीं है और आप सिर्फ शोशा के लिए, जैसे जैसे सोशल नॉर्म्स हैं कि हाँ हमारा हम वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, इस तरह के, तो उस तरह की थोड़े दिनों में पता चल जाता है कि किस तरह विलिंग है कि नहीं। तो सबसे जो एक वॉलंटियर में सबसे कीमती चीज़ जो होती है उसका दिल होता है, उसकी विल होती है, उसका ईमान होता है। तो सबसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी अच्छी टीम बिल्ट हो गई है और हम कई वॉलंटियर्स हमारे से हमारे साथ 2005 से अभी तक टू डेट हैं। वो अपने अपने कामों में चले गए, शादीशुदा हो गए, लेकिन अभी भी मैं उनको कॉल करूं तो हाँ अटैच्ड हैं। बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन है बिल्कुल। और फिर हम उनको हम लोग अपने साथ रख के उन बच्चों की, जो नए बच्चे होते हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। पहले उनको यानी अपने साथ लाहौर में ही ट्रेनिंग कराते हैं, अपनी जो बेसिक सारी चीज़ें सिखाते हैं, फिर अगर ऑन साइट जाना पड़े, जैसे हमारे ज़्यादातर काम जो गिलगित बल्तिस्तान में, हाँ जी हमारे हाँ जी हम बेसिकली सोशल अपलिफ्ट में काम करते हैं, जिसमें एक हम कोई भी वैली अडेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके अंदर उसका आप समझ लें कि उनको सेल्फ सस्टेन करने के लिए उनकी सारी उस पर मेहनत करते हैं। तो बच्चों को ज़ाहिर है वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं जो आते जाते रहते हैं और वहाँ पर यूनिवर्सिटी के भी हैं और या यूनिवर्सिटी के अलावा भी हैं। 99% यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कोई प्रोफेशनल बंदा चाहिए होता है, तो वो हम वॉलंटियर्स जो होते हैं हम कोशिश वो हमें बाहर से अल्लाह ताला कोई ना कोई सपोर्ट। किस तरीके से वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, हमने अब एक तो हमारा कोशिश करते हैं कि हम वेबसाइट के थ्रू हम उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करें, और फिर हमने अभी लेटली एक जो काम शुरू किया वो ये है कि हम जितने भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुला के और उनका हम पूरा एक उनको व्यू देते हैं अपना, अपने काम का, अपने उसमें से हमारे पास हीरे बच्चे आते हैं, तो वो जाके आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उससे हमें बहुत वॉलंटियर्स जो है। हाँ जी, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई ऐसा चैलेंज होता ही नहीं है जो कि आप अचीव ना कर सकते हो। बेसिकली अगर आपकी अपनी विल हो, अगर आपका दिल में ईमान हो और आप सच्चे जज्बे से काम करें, तो दुनिया की कोई ताकत, अल्लाह ताला आपकी इतनी मदद करती है, हमें पता भी नहीं चलता और हम सिर्फ दुआ करते हैं और अल्लाह ताला हमारी मदद कर देता है। क्योंकि हम अगर आप अच्छे जज्बे के साथ और अच्छा टीम आपकी बन जाए तो आप यू कैन वर्क वंडर्स, और मैं इसी पर बिलीव करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें चैलेंजेस नो डाउट बहुत आए हैं, हर किस्म के आए हैं। आपको पता है यहाँ पर किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, किसी सेटअप में जाते हैं तो वहाँ के लोकल्स देमसेल्फ चैलेंज होते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छे बुरे सब किस्म के होते हैं। तो चैलेंजेस तो ज़ाहिर है हर जगह होते हैं, लेकिन
क्योंकि अगर आप सिद्के दिल से काम करें और आपके साथ अच्छी टीम स्टैब्लिश हो जाए तो फिर आप हर किस्म का चैलेंज फेस करने को तैयार हो जाते हैं। इसमें ना मुख्तलिफ हमारी अप्रोचेज हैं, जैसे अब मैं कोविड के हवाले से आपसे बात करती हूँ कि हमारा जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम पहले किसी भी जगह हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, जैसे हम एक टारगेट एरिया जो हम सोचते हैं कि हम पता चलते हैं, हम पहले अपने सर्वेयर्स भेजते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ सर्वे करते हैं, सर्वे में जो मोस्ट नीडी होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं और उनमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और इस कोविड की सिचुएशन में तो हम उनको घर में जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि लोग हमें फ़ोन करते हैं, अप्रोच करते हैं कि भाई हमें ज़रूरत है, या ऐसे लोग भी अप्रोच करते हैं कि हमारे एरिया में ज़रूरत है, तब भी हम जो है हम उनकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करते, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चे जाके खुद जाके सर्वे करें, क्योंकि 100 किस्म के लोग हैं दुनिया में, तो हम जब तक खुद असेसमेंट हमारे बच्चे वो हमारे भी वो वॉलंटियर्स हैं जो ट्रेन स्टार वॉलंटियर्स जिनको हम कहते हैं, जो ट्रेन वॉलंटियर्स हैं वही ये सर्वे करते हैं और फिर हम उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हाँ जी, सच पूछें तो मैंने ना टारगेट जहन में एक बनाया तो हुआ था, लेकिन पिछले अपने तजर्बे के बिना पर मुझे मेरा जो अल्लाह के साथ ताल्लुक है और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमेशा एक बहुत ज़्यादा हमारे साथ शफकत की है, तो वैसे ही मैं घर में बैठती थी, मैं सोचती थी कि हम अगर 1 करोड़ तक का राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देना तो हमारी बहुत मतलब ये मेरा टारगेट है, लेकिन मुझे दिल से आवाज़ आती थी नहीं इससे ज़्यादा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा काम जारी है और इस वक्त तक हम 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, और हमारे पास इन हैंड भी है अभी अमाउंट जो कि हम अभी ऑनगोइंग हमारा सिलसिला चल रहा है, तो इसलिए टारगेट जो है ना वो एक तरह से कह सकते अचीव भी हो गया, और अल्लाह ने अब जिस तरह मोर की तलाश मतलब आप और आगे जाने की विलिंग में हैं कि मैं और जितना ज्यादा कर सकूं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह करने वाले, और हमारे मेरे माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो। तो ये किस तरीके से राशन और ये इस चीजों को कौन देख रहा है कि जो सौदा ले रहे हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम जी हम लोग देखिए, हमने ना अपनी टीम की 4-5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन की है, एक सर्वे टीम अलग है, एक परचेजिंग टीम अलग है, एक अकाउंट्स की टीम अलग है, कोई बच्चे हैं जो घर से नहीं निकल सकते हैं, उनको इजाज़त भी नहीं है घर से, वो घर में बैठ के अकाउंट्स देख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बाहर निकल सकते हैं वो जाके सौदा का सारा वो देख लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जो उससे भी ज़्यादा दलेर हैं वो जाके डिस्ट्रीब्यूशंस कर आते हैं या सर्वे कर आते हैं, फ्रंट लाइन पर आते हैं। अब जैसे लड़कियाँ हैं वो कुछ नहीं कर सकती, वो हमारी एडिटिंग कर देती हैं, वो हमारी डेटा एंट्री कर देती हैं, क्योंकि हम हर एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम सब की नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी का नंबर, उसके बाद उसकी फैमिली कितने मेंबर्स हैं, उसका ऑक्यूपेशन क्या था या क्या है, वो हमारे पास एक समझ लें एक डेटाबेस भी बनता जा रहा है, तो वो लड़कियां जो है वो डेटाबेस हमारी एंट्री कर देती हैं, तो हमारी बहुत सारी मुख्तलिफ टीमें हैं जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से। हाँ जी, अब ये जैसे सौदा अगर पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पर, ये जो हमारे ओल्ड कैंपस में हमने रखा हुआ है, तो किस तरह वो डिस्पैच होता है, तो कितने डिस्पैच हुआ, उसका रजिस्टर मेंटेन है, वो एक टीम की ड्यूटी है, तो इस तरह हमने मुख्तलिफ, क्योंकि एक ही बंदा तो सारे काम नहीं कर सकता, और हमारी कोशिश भी ये थी कि हम एक जगह गुच्छा ना बनाए, हमने वही जो सारी प्रिकॉशंस हैं वो तो हमने कोविड के सिलसिले में लेनी थी, तो इसलिए हमने टीम्स को बहुत अलग अलग जगह पे रख के, और वही बात है कि ऑनलाइन डिस्कशंस हमने एक मीटिंग भी हम जूम मीटिंग्स कर लेते थे और इस तरह कर लेते थे। रिलीफ का तो जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टफोलियो काफ़ी हमने इसको वास्ट रखा हुआ है, मैंने आपको बताया सबसे पहला जो हमने सीखा, हमने रेस्क्यू सीखा, सर्च रेस्क्यू, फिर इमरजेंसीज में मेडिकल कैंप्स हमने बहुत सारे लगाए, तो मेडिकल में ऑटोमेटिकली हमारा अभी तक मेडिकल में मेडिकल कैंप्स होते हैं, हम साल में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनकी खास प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स हैं कईयों, कई इलाकों में कैंसर्स होते हैं कई इलाकों में, हाँ उनको आंखों का कैंप्स लगा दिए, इस तरह के हम ये करते हैं। फिर सबसे बड़ी हमारे अपना बिलीव ये है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट, अगर आपने किसी भी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है तो उसके बच्चों को एजुकेट करें, तो एक 2-3 स्कूल्स हैं जिनको हम प्रॉपरली रन कर रहे हैं, जो कि एक जो मेरा जो दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है स्कर्दू, ये गिलगित बल्तिस्तान में चिलास से आगे नांगा पर्वत का आपने नाम सुना होगा, तो फेरी मेडोज के बेस में एक हमने स्कूल है जो कि 2011 से हम चला रहे हैं, तो वो उसको अब हमने और इसको इसमें ये बेहतरी लाने की कोशिश की है, उनके टीचर्स को यहाँ बुलाया, उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया, और अब हम चाह रहे हैं कि वो एक मॉडल स्कूल बन जाए, तो इसका ये हो गया। फिर इसके अलावा हम बेवाओं को देते हैं लाइव स्टॉक्स, ताकि वो उसके बकरियाँ गाय वगैरह जो दूध देने वाली हैं या जो ऐसी होती हैं, तो उससे वो अपना आगे लाइवलीहुड चला सकें।
फिर हम स्मॉल लोन्स देते हैं औरतों को सब्जियां उगाने के लिए, छोटी छोटी अपने अपने छोटे छोटे प्लॉट्स में सब्जियां लगाएं, फिर उनको बेचने का मतलब एक ये करते हैं। फिर हमने एक वैली में हमने पूरा उनको समझ लें कि एक पूरा एक नया विजन दिया उनको, खुबानियाँ किस तरह सुखाई जाएं। वो सुखाते तो थे पहले, लेकिन प्रॉपरली एप्रिकॉट ड्राइंग प्रोग्राम पूरा हमने शुरू किया, जिसमें हम ट्रेनर्स लेके गए। हाँ, हम ट्रेनर्स लेके गए, पूरा साल उनकी ट्रेनिंग हुई, 4-5 दफ़ा साल में गए उनकी ट्रेनिंग की। मुख्तलिफ जैसे फूल आ जाएँ तो क्या करते हैं, जब फल आ जाए तो उसको किस तरह स्टोर करना है, उसको किस तरह ड्राई करना है, तो ये वो करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वोकेशनल सेंटर्स, फिर अब हम लाहौर में अपने शुरू करने लगे 1 room 1 teacher ट्रेनिंग, मतलब वो उन लोगों के लिए जो मेड्स के बच्चे, जो मेड्स चले जाते हैं और उनके बच्चे रुलते रहते हैं, तो उनके लिए हम ये शुरू करें। ये भी आपने सोचा, बहुत अच्छे कमाल आइडिया। हाँ, ये हाँ नहीं, बस अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करें।